आपके बहुत सारे फैंस हैं। मुनावर क्या कहते हैं, वेलकम टू इलोलो। हम लोग की एक प्रथा ही बन गई है, एक प्रथा ही बन गई कि जब भी कोई वायरल होता है, जब भी कोई बिग बॉस में वायरल होता है तो एक बार इलोलो पे जरूर आता है पहले अपना लाइव करने से। और आपको लेके तो इतने डीएम्स आए हैं, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई है कि मुनावर का बारे, मुनावर का बारे लोगों को इतने क्वेश्चन आए कि फाइनली यू आर हियर, वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू। नहीं, थैंक यू सो मच भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी और यहाँ आके भी, और जितनी भी पब्लिक यहाँ पे लाइव पे मौजूद है उनको बहुत सारा प्यार और थैंक यू सो मच आने के लिए। मुनावर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डीएम्स में लोगों ने पूछे, जो मैं आपसे पूछूंगा, मेरी अपनी कुछ बातें हम लोग वो करेंगे। उसके बाद ऑफकोर्स एक नया फीचर लॉन्च हुआ था जिसके कुछ विनर्स है, जो स्टेटस वाला फीचर ही लोगा था, उसके जो विनर्स है उनसे आपको बात करने का मौका मिल रहा है, तो दिस इज लाइक ह्यूज, क्योंकि इस समय जितने आपके फैंस हैं उन 10 लोगों को भी चांस मिलना बहुत बड़ी बात है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हो सकता है कोई एक चिल्ला भी दे तो थोड़ा सा सह लीजिएगा, तो ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो भाई प्यार है, और जितने लोग जीत कर आए उनके लिए भी, और जो लोग नहीं जीत पाए या जो लोग बात आज नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी प्यार उतना ही है। तो भाई ऐसा मौका कभी कभी कोई माध्यम से मिलता है, सच में जितने लोग है ना, मैं मेरा बस चला तो सबसे एक एक मिनट बात करूं, मैं पूरे अपने 1-3 महीने इनको दे दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब इस तरह का कोई भी मौका मिलता है कि उनमें से कुछ लोगों से मैं जब बात कर पाऊं, डायरेक्ट उनसे जान पाऊं, तो वो अच्छी फीलिंग है भाई। तो आज मौका मिलेगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन से चालू करते हैं, थोड़ा हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, बेसिक जॉनरा, एज इन मैं आपका खुद भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बहुत टाइम से आपको देखता आ रहा हूँ, आपका स्टैंड अप कॉमेडी, आपका क्राउड वर्क, काफी टाइम से आपके जितने भी म्यूजिक है सब सुनता आ रहा हूँ। तो आई नो कि आपने कहाँ से चालू किया था, कैसे आप एक शॉप पे काम कर रहे थे, आज इतना अच्छा आपका, भगवान की कृपा जो भी आप कह लो, बट यू नो फेम है आपका, इतना बढ़िया चल रहा है, हम लोगों ने इतनी भीड़ देखी, बिग बॉस भी और लॉकअप भी जो आपने जीता, कैसा फील कर रहे हो, कैसा आपको लग रहा है इस समय? भाई बहुत खूबसूरत फीलिंग है, और मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि भाई मैंने मेहनत तो की होगी, और बिल्कुल मेहनत के बिना कोई कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन फैंस को जिस तरह से मैं अपने सामने देखता हूँ वो मेहनत से नहीं मिल सकते, वो मेहनत से, पैसों से, वो जो फीलिंग है ना, वो जो मैं, आपने जो भीड़ की बात की, वो भीड़ वगैरह, तो प्यार मेरे ख्याल से वो मेहनत करके भी नहीं आ सकता। वो शायद मेरे नसीब बहुत बुलंद है कि मेरे को ऐसे प्यार करने वाले लोग मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेहनत से भी मैं ऐसा कुछ कमा पाता, तो बस उनकी प्रेयर्स में मैं हूँ। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी इंसान के लिए इससे बेहतर कोई चीज होगी, तो ये बहुत ही अनरियल फीलिंग है और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ। जी वैसे डोंगरी में जैसे हम लोगों ने देखा, उसके बाद जो इतनी भीड़ लग गई थी, कितने तो मीम्स बन गए उस बात पे, लोग कह रहे हैं कि लोग इंडिया के पीएम को नहीं जानते लेकिन मुनावर को जरूर जानते हैं डोंगरी में, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो डोंगरी में वो तो ह्यूमर है। जी 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 रियलिटी शो का हो गया ना, अभी तो डायरेक्ट अभी ऐसे ऐसे एक्सपेक्ट करना है कि भाई प्रधानमंत्री बनना है। अच्छा, मतलब सीधा वहां कंपटीशन देना है, मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल अभी जो चीजें मिली है, जो चीज इतना काम मिला है और प्लस लोगों का इतना प्यार मिला है, तो कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ू और काम ऐसा करूं कि मेरे जो फैंस है जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके यहाँ पहुंचा है, उनके लिए लगे कि भाई हमने सही जगह इसको पहुंचा है और उसका सही इस्तेमाल कर रहा है, तो बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और रियलिटी शो से थोड़ा फील कराना है भाई। रियलिटी शो थोड़ा मतलब इस समय प्रायोरिटी नहीं है, मुझे लगा आप तो प्रिंस नरूला को कंपटीशन दे रहे हो, एक एक करके सारे जीत रहे हो, रिकॉर्ड टूट जाएगा उनका भी। हाँ, लेकिन अपने को कोई कंपटीशन नहीं दे पा रहा ना भाई। अभी वन साइड कितना मारेंगे। बात तो सही है, बात मतलब उसमें क्या बोलूंगा, तो मतलब सीधा बॉस बॉलीवुड के एस्पिरेशन है, अभी बॉलीवुड देख रहे हो आप, कोई कोई ऐसा कुछ मन में है या फिर कोई ऑफर आया बाय चांस या फिर कोई एक्सपेक्टेशंस के काम करना है? नहीं नहीं, बॉलीवुड ऐसा इन पर्टिकुलर ऐसा कुछ है नहीं, काम कर रहे कंटेंट पे, इस पे, उस पे, हर चीज पे। एट द एंड फाइनल जो हमारा एक मोटिव है कि है कि जनता को एंटरटेन करना है बस, ठीक है, उनसे कनेक्ट रहना, उन तक पहुंचना है और कुछ एक्सपेरिमेंट करके बड़ा करते रहना है, मतलब अब हो गया, मतलब ओके।
और हम आपका नेक्स्ट म्यूजिक कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इतना टाइम हो गया आपके म्यूजिक को आए हुए, काफी टाइम से। हमने कोलकाता में शूट किया, बहुत खूबसूरत शूट किया, और आई एम अ बिग फैन ऑफ शूटिंग एट लाइव लोकेशंस। ओके, बहुत डिफिकल्ट होता है लाइव लोकेशंस पे शूट करना, और कोलकाता इतना खूबसूरत है, और हमने बहुत प्रॉब्लम फेस करी शूट करने, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि आप मार्केट में शूट कर रहे हो, एक पब्लिक प्लेस पे शूट कर रहे हो। तो हमने जो जो लोकेशंस पे जहाँ पे शूट किया है वो इतनी खूबसूरत और इतना गाना अच्छे से शूट हुआ है, मैं गाने के बारे में ज्यादा डिटेल दे नहीं सकता। हिना खान के साथ जो बड़ा, जी जी हाँ, हिना के साथ है, और मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, बट ये बता रहा हूँ कि हाँ, अभिषेक का तो काफी वायरल हुआ है, लेट्स होप आपका जारी चलेगा, लेट्स होप देखते हैं आपका भी कैसा चलता है गाना, जो उनका भी एक नया सॉन्ग आया। मुनावर, हम लोग लोगों को लेते हैं जो आपके फैंस जो जीते हैं, जिनको चांस मिला है बात करने के लिए, जो इन लोगों को कॉम्पिटिशन रन हुआ था, उसमें एक एक करके हम लोग ज्वाइन करेंगे। डन। ओके, फर्स्ट आई गेस इज हियर ओनली मुनावर। अस्सलाम वालेकुम मुनावर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं कोलकाता से ही, आप थोड़े दिन पहले गए थे, देख मैंने आपका इंस्टा पे स्टोरी, मैं आपको फॉलो करती हूँ काफी ज्यादा। अच्छा, मैं कोलकाता से कैसा लगा आपको कोलकाता? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। वैसे मैं आपकी काफी बड़ी फैन हूँ, सो आपकी जो भी बिग बॉस की जर्नी थी मैंने देखी है, और आपकी एक एक शायरी के साथ मैंने रिलेट की है, और आपकी लाइफ की जर्नी के साथ उतनी एक्सट्रीम तो नहीं, काफी रिलेट की है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपकी फेवरेट, कोई आपकी फेवरेट शायरी सुना दो। हाँ, कुछ तू लिख दे, कुछ मैं लिख दूं, कुछ तू मुश्किल, सॉरी, कुछ दे, कुछ मैं लिख दूंगा, तू मुश्किल लिखते जा, मैं मंजिल लिख दूंगा। क्या बात, ये आपने कही थी बिग बॉस में, आपकी शायरी है। यस यस, आई नो, थैंक यू सो मच। हाय सर, थैंक यू। और एक और, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पटना से। आप पटना से हो? वाह, क्या बात है। सर कभी पटना में भी शो करिए। बिल्कुल कर, थोड़े टाइम में शोज का टाइम शुरू होगा धीरे धीरे, अभी जो बिग बॉस से आने के बाद बहुत चीजें वो कर रहे, उसके बाद निकलेंगे शो पे, पटना जरूर आएंगे, बहुत सारा प्यार आता है पटना से। जी सर, वैसे तो आपका मतलब बिग बॉस जब देखे ना तब से आपका मतलब बहुत बड़ी फैन बन चुके हैं, पहले मतलब मूवी मतलब आपका सॉन्ग सब देखते थे बट उतना मतलब ध्यान नहीं देते थे, बट बिग बॉस के बाद से ना आपको जानने लगे कि ये मतलब कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए प्रे कीजिएगा, और मेरे घर में तो सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, सबको मेरा नमस्ते कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हां जी मुस्कान जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हाँ मुस्कान जी, मैं उनको हटा दूँ, आप बात कर सकते हो मुस्कान जी। हाय मुस्कान, कैसे हो आप? इसको साइलेंट कैसे करते हैं? वो आई गेस उनके एंड से था, तो हम लोगों ने उनको हटा दिया, कोई बात नहीं, और फैंस हैं उनको ऐड करते हैं। ओके okay, मैंने कर दिया जी। भाई कैसे हो भाई? अरे हार्ट बीट तेज हो रही है भाई, सच्ची बता रहा, हार्ट बीट तेज हो रही है मेरी। मालूम पड़ा मैं रियल नहीं हूँ, एआई है तो। मनोहर भाई कहाँ से हो भाई आप? भाई कहाँ से हो? यार भाई, ये भाई क्या है? भाई देखो, इतनी बड़ा फैन हूँ भाई, 5 फुट का फैन हूँ भाई आपका मैं। भाई फोन भी हैंग करने लगा, किस्मत खराब। कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? पर कोई ना भाई, मुझसे बात होगी बस इतना ही बहुत है भाई, इस चेतन बस मेरा आज मेरा बर्थडे, बस विश कर दो भाई। अरे क्या नाम है, नाम तो बता दे। इमरान, 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 इमर
विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इमरान, थैंक यू सो मच माय ब्रो. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आवाज नहीं आ रही मुझे. हेलो हेलो, दो लोग एक साथ मत करो ऐड, है ना. जी 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 जी, मैं बोल रहा हूं ना, एक-एक करके ऐड करो, है ना. ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए लोग, तो वो लोग कुछ मतलब इतना उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी चांस मिल जाएगा. और इस समय बहुत लोग देख भी रहे हैं, अगर व्यूअरशिप लाइव कितने लोग देख रहे हैं हमें, आप ऊपर नंबर देख सकते हो वहां पे, इस समय 7 लाख के आसपास लिखा हुआ है, 7.5 लाख है. बहुत लोग देखते हैं. मैं कह रहा हूँ मुनावर जी, एक सबके लिए फैन मतलब मूवमेंट हो जाए, एक शायरी हो जाए, क्योंकि मुझे याद है आपने क्या कहते हैं लॉकअप में, तो जब आप जीते थे तो आपने एक शायरी बोली थी, बट बिग बॉस के टाइम पे मिसिंग थी, बाद में ऑफकोर्स बोली आपने, बट वहां पे एक विनिंग शायरी मिसी थी, अगर इस समय आपको कुछ लग रहा है, या फिर इलोलो के लिए, इलोलो के फॉलोवर्स जो भी आपके इस समय देख रहे हैं उनके लिए कुछ अगर आपको आ रहा हो तो. अभी मैं ढूंढता हूँ भाई, बढ़िया सी शायरी सुनाता हूँ. चलो, मतलब ये ट्रू आर्टिस्ट है, इतनी लिख रहे हैं कि ढूंढना पड़ रहा है कि अरे बहुत है अपने पास, ऐसा नहीं कि एक आध लिख ली. मैंने ये ऑडियंस के लिए लिखी थी ऐसे थोड़ा, और मैंने अपनी ऑडियंस को, जनता को कुछ कहने के लिए लिखी थी. जी जी जी. तो मैं सुनाता हूं भाई. मैंने सीने में जुगनू पाले हैं क्योंकि सफर में रात है, मैंने प्यार से दोस्ती रखी है क्योंकि मुश्किल अब हालात है, और अब अंधेरे रास्तों में घबराहट कम होती है, अब अंधेरे रास्तों में घबराहट कम होती है क्योंकि मुझे पता है मुनव्वर की जनता मुनव्वर के साथ है. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया भाई. खास करके जनता के लिए था जी. बहुत सारा प्यार देते यार वो, बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है. और ऑफ कोर्स मुनव्वर जी, ये कमेंट्स आप पढ़ पा रहे हो या मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ? कमेंट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, लेकिन ऑफ कोर्स एक कमेंट आया था, किसी ने निकल नीचे लिखा कि अब्बा कादर रियल है कि नहीं. मैं अभी पढ़ा अब्बा कादर नहीं भाई, बिल्कुल रियल है अब्बा कादर, बिल्कुल रियल है, सच बताइए. यस यस, वो रियल इंसान है भाई साहब, मेरे गांव में रहता है वो, रियल है. अभी तो उसकी काफी एज हो चुकी है. आप वो अभी तो रिसेंट वाले बोला कि था, अच्छा ऐसी मजाक में. आप उसका एंड देखिए, वो वीडियो का आप एंड देखेंगे आप समझ जाएंगे. नहीं, मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ इंस्पिरेशनल नहीं लेना, मतलब ओके जोक सी, ओके समझ गया, बच गया वो, समझ गया समझ गया समझ गया, हाँ बच गया था पूरा, मैंने देखा था. एक मैं बीच में क्या हो रहा था, जब बिग बॉस चल रहा था, बहुत ट्रेंड कर रहे थे, तो एक कॉम्पिटिशन सा रन हो गया, जैसे आपने वीडियो निकाली अब्बा कादर वर्सेस अब्दुल, अब्दुल अपने बस्सी वाले. अच्छा तो लोगों में, फैंस में दोनों, मुझे लगा फिक्शनल है, फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेकर लड़ाई हो रही है, बट मैं अब्बा कादर के साथ, क्योंकि ज्यादा ही बड़ा लेजेंड है, गाइस उन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज़ें. लेजेंड मुनव्वर भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ? ऑल गुड भाई, ऑल गुड. बहुत वेट किया इस मोमेंट का हमने. शुक्रिया भाई. कहां से हो आप? सूरत गुजरात. आपसे एक बार हैबिट में मुलाकात हुई थी हमारी नीचे. क्या बात है, सूरत से आप? जी, आप आओ कभी स्टैंड अप करने सूरत में, सो रखिए आप. पक्का भाई, प्लान करेंगे. सूरत भाई बहुत बढ़िया जगह है. मेरे को खावसा बोलते, क्या बोलते हो नाश्ते में खाते? रांदेर का. अरे मेरे को बहुत पसंद है भाई वो, बढ़िया. मैंने एक बार खाया था भाई, मैं बहुत खाया था भाई. आओगे क्या अभी हैबिटेट में, अपना ओपन माइक रखोगे क्या? नहीं भाई, अभी तो ट्रैवल कर रहा हूँ भाई जी. अभी तो ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, रमजान पूरा बिजी. अच्छा भाई, भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं भी मतलब शायरी स्टैंड अप आपके देख के कर रहा हूँ. सुना ना कुछ, एक शायरी तो सुना. सर अभी एक शायरी लिखी थी मैंने, जो ब्रोकन हर्ट होते ना उनके ऊपर. फेब्रुआरी चल रहा है के सच तो सच होता है, कभी कदरे नहीं खोता अपनी. सच तो सच होता है, कभी कदरे नहीं खोता अपनी. आप भी आप है सो आप नहीं मानेंगे. 101 तरीके है चले जाने के, उनमें से एक है माँ बाप नहीं मानेंगे. अरे वाह, नाइस 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 नाइस.
बढ़िया बढ़िया। हाँ ऐसा आपको देख के चलते रहता है। बढ़िया था भाई, मस्त था। शुक्रिया भाई। मुनाव भाई किसी का कमेंट आया कि बॉलीवुड में आ जाओ, नेक्स्ट एसआरके बोल रहा है आपको। भाई ये इतना इतना सुन के ही मैं आने से पहले रिटायरमेंट ले लूं भाई। ये कॉम्प्लीमेंट ही इतना बड़ा है ना भाई, कॉम्प्लीमेंट रिटायरमेंट वाला कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको आपका नाम कोई एसआरके के साथ नॉर्मली साथ में ले ले, मतलब रिटायर हो जाओ। वैसे मुनावर भाई कुछ कुछ तो आपके मन में होगा ना कि यार ये वाली हीरोइन के साथ अगर मैं आऊं बॉलीवुड में तो इसके साथ आऊं तो मजा आएगा, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस? नहीं ऐसी हीरोइन वाइज कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, डेफिनेटली डायरेक्टर वाइज होगी कि मुझे चाहिए होगा कि भाई ये डायरेक्टर अगर कभी हमारे साथ काम, मुझे काम करने का उनके साथ मौका मिला तो क्या ही मजा आ जाएगा। मतलब जैसे ऐसे कोई डायरेक्टर का नाम आप बोलो। बहुत सारे डायरेक्टर है, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप। ओह वाओ, या ऑब्वियसली। हां जी यूसुफ जी आप कुछ कह रहे थे भाई? एक सवाल था, क्या मतलब मनारा और अभिषेक के साथ कोई सॉन्ग वीडियो देखने को मिलेगा क्या आगे? भाई मेरा एक सॉन्ग आ रहा है हिना के साथ, एंड आई थिंक अभी वो एक ही आ रहा है, और मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक वीडियोस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि स्टैंड अप वगैरह बहुत आ रहा है और उसके अलावा डिफरेंट चीजें आ रही है, तो आई डोंट थिंक कि आपको देखने मिलेगा भाई। किसी ने भी पूछा कि समय रहने के साथ वापस कब आ रहे हो? किसी ने कमेंट पूछा समय रहने के साथ वापस कब आ रहे हो? समय रहने के साथ लेजेंडरी स्ट्रीम चलती थी। बिल्कुल, स्ट्रीम्स में तो बहुत मजा आता था, बट वो स्ट्रीम अभी करने का मन नहीं करता क्योंकि वही है कि जॉब इसलिए छोड़ी थी, कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना था। ये आपने आधे यूट्यूबर्स का करियर खत्म कर दिया है भूल के। नहीं नो, उसके लिए नहीं है, मतलब मेरा रीजन जॉब छोड़ने का ये था कि मुझे कंप्यूटर के सामने 8 घंटे नहीं बैठना था, और यूट्यूब स्ट्रीम करना इट्स लाइक अ फन, और आप अपनी ऑडियंस से जैसे यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हो वैसा बहुत मुश्किल है इंस्टाग्राम ट्विटर पे कनेक्ट होना, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग स्ट्रीम जो भी यूट्यूबर्स करते हो और गेमिंग वगैरह, इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन ही है, बट मुझसे नहीं हो पाता उतना अच्छे से जितना लोग कर लेते हैं। बट अच्छा एक चीज मुझे पूछनी थी, आपने आप बहुत कूल हो एज इन टर्म्स ऑफ एक कॉमेडियन होता ही है कि अपने ऊपर जोक बहुत इजीली ले लेते हैं, पहले तो कोई फैन नहीं उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है तो एक एक करके ले लो ना, एक का हो गया तो उनको रिमूव कर दो ना, आवाज अब बहुत। हेलो मैम एक मिनट रुक जाइए। हाय मार्गी, हाय, जस्ट वन सेकंड। हेलो, हाय हाय, हेलो, हाउ आर यू? I'm good, hello. Hey Margie, आवाज आ रही है आपको? You're going to reach 8 lakh over. Yes, yes, आ रही है, आप बताइए कैसे हो? Hello. Yes, आ रही है। मैंने जी मुझे सबसे एक चीज कहनी है, मैंने ना आपको मान लिया है मेरा, तो आप बस हाँ बोल दीजिए, बस हाँ बोल दीजिए। क्या क्या मान लिया? Husband. Oh, okay. अब आपने आपने हस्बैंड मान ही लिया तो अब मेरे मानने ना मानने से क्या होगा? हस्बैंड मान ही लिया तो अब मेरे मानने ना मानने से क्या होगा? आपका भी तो मानना जरूरी है ना, एक तरफ तो नहीं आप बहुत स्वीट हो। हाँ नहीं आप बहुत स्वीट हो। अरे आपका आपका नाम तो बोल दीजिए, आपका नाम क्या है? देखो हम दोनों का नाम एक ही लेटर से शुरू, तो वो भी तो थोड़ा हिंट ही हुआ ना हमारा। मार्गी नाम, आप इनको क्लिक करोगे ना इनके ऊपर तो प्रोफाइल आ जाएगी एक बार उस पर अगर आप लिखोगे ना। मार्गी मार्गी, अरे दादा लखों लोगों का नाम एम से शुरू होता है। नहीं बट मार्गी मार्गी हाँ बट मार्गी मेरे 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 को अभी प्यार मोहब्बत से दूर रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत से दूर रहना चाहिए। क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे तुम्हें नहीं पता कारण, मार्गी तुम्हें नहीं पता। क्यों दूर रहना है? मार्गी ने बिग बॉस नहीं देखा लगता। अरे आप बस हाँ बोल दीजिए।
ठीक है मेरी तरफ से हाँ है भाई। देखा फिर भी मेरी तरफ से हाँ है भाई। शादी कल कल ही कर लेते हम लोग। ठीक है डन है, आप रिश्ता भेज दीजिए घर पे। अगर 24 घंटे में आप मेरे घर पे रिश्ता भेज पाए तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। अब वही है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अरे थोड़ा तो हिंट होना चाहिए ना, अगर आपकी तरफ से हाँ है तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। हाँ लाइक हिंट, वही बोला ना वही, आपके 24 घंटा आपके पास, 24 घंटे में आप अगर मैं मुझ तक पहुंच गए तो हम शादी कर लेंगे। अरे वाह, एड्रेस कुछ हिंट दे दो, पिन कोड दे दो। 362001। सोच लो, मैं पक्का भेज दूंगी आपका रिश्ता। सोच लिया भाई, ढूंढ के पास मुकर नहीं पाओगे। अरे सोच लिया, आप भेजो 362001। हाँ डोंट वरी डोंट वरी, आप पहुंचो 24। ठीक है डन, ठीक है मैं पक्का आ जाऊंगी उधर। चलो डन है मार्गी, थैंक यू बाय। 24 घंटे में रिश्ता और उसके बाद मार्गी कांग्रेचुलेशंस, आप बिग बॉस को भी आ रहे हो। मैं भी रात में ही ट्रैवल कर रहा हूँ जी। हाय हाय दिव्य जी। हेलो हाय, शायद उनको आवाज नहीं आ रही। मैं एक मिनट ऑफिसर का बात हूँ। वैसे मुनावर जी मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, वैसे ही दिस इज ऑन अ पर्सनल नोट। मेरे काफी मेरे एक दो फ्रेंड्स, अरे यार पहले तो फैंस आ रहे, पहले फैन था सर। हाय मुनावर भाई, कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और भाई ये चेहरा देखा देखा सा लगता है, बिग बॉस जाने से पहले आपने एक बेंगलोर टूर किया था अबाकादर वाला। हाँ। और उसमें मैं आपसे मिला हूँ, जस्ट आप बिग बॉस जाने से पहले ही मैं आया था, एंड इट वॉज अ वेरी गुड गुड एक्सपीरियंस। दो घंटे स्टेज पे मजा आया था बहुत, अबाकादर को देख के जो मजा आया, मजा मतलब दो घंटे कैसे गए हैं आई हैव नो आइडिया। इतना कभी पाजी पाजी ये लाइव, पाजी ये लाइव ऑडियंस का रिएक्शन है पाजी। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कभी भी शो हो मेरा आपके सिटी में आपके एरिया में, तो प्लीज टिकट खरीद के शो देखने जरूर आइएगा। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। और भाई तू बता तुझे कितना अच्छा लगा? बहुत, लाइक दो घंटे जो हंसे हैं, पेट दर्द हो गया है स्टेज पे आके जब गले मिला हूं मैं आपसे, इतनी खुशी उस चीज से बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती कि जिसको मैंने देखा था उसको जाके गले मिलना, दैट वाज अ वेरी बिग बिग एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत बड़ी थी, आज यहाँ पे पार्टी करना बहुत बड़ी बात है। मनोहर भाई एक था कि हमने इतने दिन आपको बिग बॉस में देखा, इतना कुछ हुआ आपके साथ, बहुत ट्रेजिक भी था, बहुत अच्छी चीजें भी हुई, बट एक चीज है कि जब आप बाहर आए, जब आपने अपने बेटे को देखा, आपके बेटे ने ट्रॉफी देखी, आपने कल वैलेंटाइंस डे पे बेटे के साथ एक स्टोरी भी लगाई, लेकिन जनता को बेटे के बारे में बहुत कम पता है। लाइक हमको आपके बेटे के बारे में लिटरली बहुत कम है कि कैसा है वो, उसको क्या पसंद है, आपका बॉन्ड उसके साथ कैसा है, ये थोड़ा जानना चाहते थे हम एज अ फैमिली। यार वो ऐसा है ना कि मेरा बहुत ही मन करता है उसके साथ कुछ भी डालने का, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको इन सब चीजों से दूर रहना है, दूर रखना है। अच्छा, तो थोड़ा मैं उसको थोड़ा साइड रखता हूँ, उसको नहीं इतना दिखाता हूँ। कभी स्टोरी वोरी भी डालता था, मेक श्योर कि वो ना दिखे उसमें, तो थोड़ा उसको लेकर मैं वैसा बिहेव करता हूँ। कब तक कर पाऊंगा पता नहीं, बट अभी फिलहाल तो ऐसा है कि उसको थोड़ा बॉन्ड तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा तो रिवील कर ही रहे हो, लाइक स्टोरीज पे इधर उधर तो कर रहे हो, आई होप कि जल्दी। उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं होता है, बट कभी कभी फिर मैं लाऊंगा उसको, ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा तो उसको लेके आऊंगा उसमें। लेकिन और एक था कि अगर वो बड़ा होके, लाइक अगर वो स्टैंड अप करना चाहे या इन्फ्लुएंसर आप जैसा बनना चाहे, तो आप उसको क्या बोलोगे? लाइक फर्स्ट अगर वो बिग बॉस जाना चाहे और आपका बेटा बोले कि मुनावर डैड मेरे को बिग बॉस जाना है, आप उसको फर्स्ट लाइक एडवाइस क्या दोगे कि भाई ये करना है ये नहीं करना है जानने से पहले?
बिग बॉस वैसा कुछ भी नहीं है कि वो बिग बॉस जाने बोलेगा क्या बोलेगा, इट्स जस्ट के मुझे उसमें देखना है कि वो कौन सी चीज बेहतर कर सकता है अपनी लाइफ में और किस चीज में वो इंटरेस्टेड है, वो जिस भी चीज में इंटरेस्टेड है और जो वो लाइफ में करना चाहता है, आई मेक श्योर कि वो उसमें झंडे गाड़ने वाला इंसान बने, तो उसकी तरफ मैं मेहनत करूंगा। अगर उसको क्रिकेटर बनना है तो वो, उसको डॉक्टर बनना है तो ये, अगर उसको बिजनेस करना है तो कोई भी चीज वो करना चाहेगा मैं उसमें पूरी मेहनत करूंगा। पॉलिटिशियन जो उसको जो बनना हो, उसको अच्छा। जो बनना हो, सॉरी मैं वैसे पूछ रहा था। नहीं 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 बिल्कुल, इंडिया ये इंडिया है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ठीक है, लेकिन यहाँ होना नहीं नहीं मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन है थोड़ा तो है मनोहर भाई स्टैंड अप में, अबा का दर्जे से वो तो हो सकता है लेकिन मुश्किल है। चलो मुनाव भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होप टू सी यू सून, थैंक यू सो मच। बेंगलोर में जल्दी शो करो, वापस आएंगे देखने आपको, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत जल्दी करेंगे। चलो भाई मनोहर भाई, हम लोग जो एक दो और बंदे उनको भी ऐड करते हैं, उससे पहले कुछ आपसे एक सवाल था जो कि हम फैंस का था बेसिकली, क्योंकि बिग बॉस के टाइम पे कुछ चीजें अच्छी चल रही थी, कुछ चीजें अजीब चल रही थी। हम लोग जब देख रहे थे, हम लोग ट्विटर पे हम लोग वॉर्स में लगे हुए थे, एक दूसरे से मजे ले रहे, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कॉन्टेंट तो था ही ऑफकोर्स, बहुत बढ़िया। बस हम लोगों का ये कहना है कि आपने सबको सपोर्ट ही किया है हमेशा, एज इन मेरे ना मेरे एक दो फ्रेंड्स है जो कि बडिंग कॉमेडियंस भी है, बहुत टाइम पहले जब आपके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स थे तो आपने उनको शाउट आउट भी दिया था जब उन्होंने अपना स्टैंड अप निकाला था, तो विच इज लाइक अ बिग थिंग, उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला था, ये बहुत पुरानी बात है, आपने मेरे एक फ्रेंड को ऐसे बूस्ट दिया था और वो उनमें से एक आज बहुत अच्छा कॉमेडियन भी बन गए। सो द थिंग इज कि मैं अलग से बात कर सकता हूँ, लेकिन द थिंग इज कि आपने सपोर्ट ही किया या फिर आप खुद भी जोक भी ले लेते हो, खतरों के खिलाड़ी जो समय रैना ने बनाया उसमें खुद जेल में जा रहे हो मजे करने के लिए, बट हम लोगों को ऐसा फील सा हुआ कि बिग बॉस के टाइम पे ज्यादा सपोर्ट शायद यूट्यूब कम्युनिटी से आपको नहीं मिला, जैसे ओटीटी के टाइम पे फुकरा इंसान या फिर एलविश यादव की पूरी कम्युनिटीज एक्टिव थी, यूट्यूबर्स बहुत सपोर्ट कर रहे थे आपको, यूट्यूबर्स या फिर कमेडियंस, क्योंकि आप कमेडियन आपका मेन हम वहीं से हम लोग ने आपको डिस्कवर किया, तो उस पर आपके क्या कॉमेंट है कि सपोर्ट को लेकर यूट्यूब पे? यूट्यूबर्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया उसके बारे में या कमेडियंस ने? ऐसा हमें लगता है, हो सकता है गलत हो, कमेडियंस यूट्यूबर हमें लगा नहीं सपोर्ट मिला उस तरीके से। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि अनुराग वाज आल्सो देयर, वो भी एक यूट्यूब करता है, व्लॉग करता है, और जब आप यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से एक तरह का सपोर्ट आता है तो ऑलवेज लोगों को लगता है क्योंकि मुनव्वर भी यूट्यूब पे है और मुनव्वर भी काइंड ऑफ ऑलवेज सपोर्टेड यूट्यूबर्स हो या कमेडियंस हो, बट द सेम टाइम आपको फिर ऐसा होता है कि यूट्यूब का और एक बंदा है तो यू ऑलवेज फील के यार इसको करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कि इसको सपोर्ट करेंगे तो इसके फैंस गाली देंगे, इसको सपोर्ट करेंगे तो उसके फैंस गाली देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हीट से बचने के लिए या उस रीजंस की वजह से लोग इसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो वो समझदारी भी है कहीं पे, और मेरे हिसाब से कोई इंसान नहीं पढ़ना चाहता, अभी मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मुझे लगा कि मैंने तो ओटीटी इतना देखा नहीं था, बट फिर भी दोनों टॉप टू जो थे मैंने बोला कि दोनों ही बढ़िया कर रहे हैं यूट्यूबर्स, तो आप उनको जिताओ, तो मेरे हिसाब से सबका अपना अपना चॉइस है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को, जैसे हम बोलते हैं हम किसी के फेलियर, हमारे फेलियर्स का हम जिम्मेदार नहीं मानते, तो हम हमारी कामयाबी का भी जिम्मेदार, तो मुझे ये चीज इतनी नहीं खटकती कि इसने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, इट्स ओके, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, आई एम वेरी ओके विद इट, लाइक ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट आई मैं अभी भी ऐसा है कि मुझे जो भी आर्टिस्ट अच्छा लगता है, यूट्यूबर हो, सिंगर हो, डांसर हो, कोई भी हो, मुझे जब ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है और सपोर्ट करना है तो मैं वो बिंदास करता हूँ। वो तो मैंने खुद ही देखा है पर्सनली, मतलब आपने, बट एक बस इस पे बस एड ऑन ये है कि मैं आपकी बात समझता हूँ, एज अ फैन हम लोग को जो बुरा लगता है कि ठीक है जो यूट्यूब पे लोग रिस्क लेना चाहते हैं आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो लोग आपके साथ ऑलरेडी या फिर काम कर चुके या फिर किसी तरह शो में थे, वो फिर बाहर आके शायद बदल जाते हैं, जैसे अंजलि आपके साथ बहुत अच्छी फ्रेंड थी शो में, अभी रिसेंटली वो कुछ और ही बोल रही है कि मतलब नेगेटिव साइड थोड़ा ज्यादा पोर्ट्रे करी है प्रोबेबली, या फिर बिग बॉस ने भी एक तरीके से कंटेंट के पर्सपेक्टिव में हम लोग ने देखा कि कैसे उन्होंने इमोशनली अलग किया, अलग से एक एंट्री आ गई तो उसकी वजह से आपको एक अलग जोन में डालो, विकी ने भी रिसेंटली पार्टी करी तो आपको नहीं बुलाया, ये चीज हम लोग तो देखते हैं, छोटी छोटी चीज है,
आपका क्या कहना है? देखिए इसमें इसमें बहुत क्लियरली मैं बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप आपके जितने भी दोस्त है वो आपके साथ खड़े रहे, आप दुनिया को लगता है अपने दोस्त है। और रही बात अंजलि की, तो मैंने उसका इंटरव्यू का रील में कहीं पे देखा एंड मैं यही सोच रहा था, मैं बोला ये क्या है, मतलब मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं कर दिया या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर दिया, तो आप ये बातें इस तरह क्यों बोल रहे हो? बट फिर पढ़ना नहीं है जिन चीजों में, उन चीजों को ज्यादा एंटरटेन करके फायदा नहीं। बोलते हैं ना कि क्या कोई चीजों का मतलब नहीं है, बट इंटरनेट पे सबको आके अपना ज्ञान देना होता है। तो मैं बहुत चिल हूँ इस मामले में कि जो सपोर्ट करते हैं, जो जानते हैं, जो पर्सनली प्यार करते हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और कैसे हो भाई? सरप्राइज ऐड भी होगा क्या? कैसे हो भाई? सॉरी 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 भाई, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, गुड। भाई मैं उनके बैकग्राउंड से ये कार्स और हॉर्न की आवाज बहुत आ रही है बिकॉज़ ऑफ द ट्रैफिक। भाई एक साइड तो मेरे दोस्त एक इतने लोग एक्साइटेड हो गए कि बाहर जाके अपने दोस्तों को पकड़ लाएं कि मैं जीतूं तो पांच लोग और देख, मतलब अच्छी बात। हाँ, है थोड़ा वो नहीं भाई, सॉरी वो शायरी की रिक्वेस्ट कर रहा था और उसको उसी वक्त हटा दिया, तो आई एम सॉरी ब्रो, बट कोई बात नहीं, आई एम सॉरी ब्रो, ऐसा हो गया क्योंकि वो तेरी बैकग्राउंड से नॉइज बहुत आ रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा। हम किसी और को ऐड करते हैं जो प्रोबेबली लास्ट है, जो विनर है वो बस ऐड हो गए। आठ लोग हैं यहाँ पे। हेलो मैम, हाई हाउ आर यू? फाइन, आप बताइए। मैं ठीक हूँ मैम। अरे मैं नारनौल से। ओ बढ़िया, कहाँ पे पढ़ता है ये? ये हरियाणा में। हरियाणे में, ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा है ऑल गुड वहाँ पे? मौसम बहुत ठंडा है इस वक्त। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के पास नारनौल। अच्छा बढ़िया, कैसा है वहाँ पे मौसम? ठंडी है बहुत। क्या कर रहे हो? ठंडी है बहुत। भाजी आप पूछ लो, थोड़ा सा डिले आएगा। हाँ जी ठंड है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है दीवी जी? कोई क्वेश्चन है अगर आपका दीवी जी तो पूछ लीजिए। लास्ट चलो। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन, आप? मैं ठीक हूँ। मिकाइल कैसे? मिकाइल अच्छा है, बढ़िया। अच्छे। और अमरीन दीदी? अमरीन दीदी अच्छे, बहुत अच्छे, सब अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीन दीदी बताइए ना कैसे अच्छी है? वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा सर, आपसे ना एक ये है, मतलब वो भी अच्छे है। अच्छा एक ऐसी चीज बता, एक ऐसी चीज बताइए जो आपकी लाइफ की जर्नी सबसे अच्छी रही अभी तक की। लाइफ की सबसे बेस्ट चीज? हेलो, लाइफ की सबसे बेस्ट चीज जर्नी, बेस्ट जर्नी आई थिंक बिग बॉस बोलूंगा। जर्नी लाइफ की बिग बॉस में डेफिनेटली बोलूंगा, रिसेंटली मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। यस मैम। अच्छा और मुझे ना आपसे कोई, आप मतलब क्या आवाज है? एक मिनट नायाब जी, आप अपना नोटिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन साइलेंट कर सकते हो क्या? मतलब फोन साइलेंट कर लीजिए, फिर बात कर लीजिए ऊपर नोटिफिकेशन से। आई गेस उस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम, नहीं तो मैं बोल देता हूँ। या तो कोई बात नहीं, हटाते हैं। कौन मॉडरेटर कौन बैठा हुआ है? वो बोले अरे तुम नोटिफिकेशन मत करो, मैं करता हूँ। बड़ी आपके रियल फैंस है ऑनेस्टली, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज उसमें हम लोग बायसनेस नहीं कर सकते, जो भी रियल है उनको हम लोग को देना पड़ेगा, वो हो सकता है कहीं पे भी हो। बाकी यहाँ पे जो 8 लाख, मैं यकीन मानो ये 8 लाख लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ना बैठ के, उन ये सारे 8 लाख लोगों की मोहब्बत पे कोई शक है ही नहीं मुझे बिल्कुल भी। जी 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 मुनावर, ओजी है। मैं पूछ रहा था, आपने बीच में एक बहुत बढ़िया चीज चालू करी थी, वो थी स्केच कॉमेडी वगैरह, जो आपका एक अटेम्प्ट था। अरे अच्छा, आई गेस ये लास्ट टाइम इनसे मेरे ख्याल बात रह गई थी, तो आपसे कुछ बात रह गई थी पटना वाली?
नहीं ये वो हो गई थी ठीक है कंफ्यूज है हूँ वापस से रिक्वेस्ट सेंड करूँ अरे किसी की शादी है क्या घर में अरे आलिया करो आलिया जी कोई क्वेश्चन है तो बताइए ये जूम शोज में नहीं होता था जूम शोज में नहीं होता था एक सेकंड में फैमिली बैठ जाती थी कुछ ज्यादा एक्साइटेड है ये कोई बात नहीं हमने बात करें आलिया जी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए नहीं तो हमें उठाना पड़ जाएगा समझा रहे हैं अरे वाह इतना कैमरा घुमाया उसने मेरे को चक्कर आ रहे तू मुस्लिम से करो कोई बात नहीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू आई एम फाइन बात कर रही थी जान में बात कर रही हां मनोवर सही में हेलो अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहता हूँ भाई लेट हो गया अरे भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते ना आपको इतना प्यार करते ना सच में कभी बॉम्बे आएंगे ना आपसे जरूर मिलेंगे पक्का भाई बिल्कुल कौन सी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो अरे सर दिल से मोहब्बत करते ना बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई जिनमसी में पढ़ते हैं आपको देख के ना गूज बम खड़े हो गए हम दुआ कर रहे थे कि काश हमारा नंबर लग जाए और लग गया गूज बम खड़े हो गए सो मच भाई आप दुआ कर दीजिए कि हमारा एमबीबीएस में हो जाए और फिर आपसे मिल लाएंगे सीधा इंशाल्लाह बढ़िया भाई जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो एमबीबीएस बन रहे हो डॉक्टर बन रहे हो नाम रोशन करो माँ बाप अरे आपको बिल्कुल दिल से प्यार करते हैं हम पूरा हॉस्टल जितने भी हम लोग मिलते हैं ना जी भाई हाँ। डॉक्टर बन रहे हो भाई एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर बन रहे हो बहुत कम चार्ज करना भाई जब भी हमारा टेस्ट होता है ना हम सारे दोस्तों से मिलते थे मुनव्वर भाई को वोट किया कनेक्ट हुआ मुनव्वर भाई भाई बहुत बड़े फैन हूं आपके बहुत बड़े थैंक यू सो मच ब्रो थैंक यू सो मच सो स्वीट ये देखो हम एक घंटे से वेट कर रहे थे माफी चाहता हूँ मैं आपसे और मुनव्वर भाई कैसे हो मैं ठीक हूँ भाई आपके लिए ही ले आप भाई घर के लिए हिलो हिलो ऐप हाँ भाई आपके लिए सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए सिर्फ डाउनलोड है हिलो हिलो ऐप हाँ हाँ भाई थैंक यू सो मच करने के लिए बहुत पैसा लिया अपन हिलो हिलो वाले से टेंशन मत शुक्रिया भाई शुक्रिया वो लॉकअप से अब से फाइनल चला लॉकअप क्या पहले से भाई लॉकअप क्या पहले से आपको फॉलो कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हक्स है कहां से आप लोग सोलापुर महाराष्ट्र सोलापुर की पब्लिक को बहुत सारा प्यार भाई थैंक यू सो मच अरे आपकी पब्लिक बहुत है यहां पे क्या बात है क्या बात ये मेरे दुआ में याद रखो मुन्नोर भाई अल्लाह हाफिज भाई दुआ में याद भाई डोंगरी मुनव्वर भाई इतने प्रपोजल आ रहे हैं आपके पास एक तो यहीं पर आ गया और वैसे भी इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है एक बार पता ही तो सबको आप शादी कर रहे हो तो कब कर रहे हो कोई स्कोप है किसी का लड़कियों का नहीं भाई अभी अभी मैं काफी ज्यादा सिंगल हूँ और अभी तो मैं कोई शादी कर रहा हूँ फिलहाल काफी ज्यादा सिंगल भाई वोटिंग करे ले आपको भाई बहुत बहुत शुक्रिया रात भर भाई 150-200 भाई सोलापुर से बात कर रहा है भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई थैंक यू सो मच प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई थैंक यू भाई एक फोटो काट रहे भाई काटो फोटो काटो
स्क्रीनशॉट ले सकता था भाई, निकल निकल इधर ऐसा है ऊपर वालों का हो गया तो सलाम वालेकुम। वो नीचे को ग्वाली और शिमला वाली चिल्लारी को समझ नहीं आ रहा। हेलो हाय हाय सर, हमारे शिमला में आओ और मेरे भाई यहाँ पर खड़े और मैं भी शॉप चलाती हूँ और मैं शिमला से हूँ। आई एम सो हैप्पी अल्लाह ने आज मेरी कबूल कर दिया, आपसे मुलाकात हो गई। और मैं अभी मेरा मॉडलिंग है शिमला में 18 को कैंसिल हो गया, 20 को मिस हिमाचल का, अल्लाह मेरी कबूल करे। और बिग बॉस में आपने जो हंगामा किया है ना, अल्लाह अल्लाह थैंक यू सो मच। आपके जो आपका मिस हिमाचल का जो कंपटीशन है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट और बहुत सारी दुआएं, आप अच्छे से करो, प्रिया करो। और मैं मोबाइल में आपकी आपसे और मनोबर सर ये वापस क्यों आया भाई? भाई 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 दो मिनट ज्यादा नहीं, दो मिनट भाई क्या ही बोलू भाई, लॉकअप से लेके स्माइल तो क्यूट है तेरी ब्रो, स्माइल तो क्यूट है तेरी। थैंक यू दिल से भाई मैं रो के भी सच्ची बता रहा हूँ, रो के कमेंट किया था या खुदा मेरे भाई को जिता दे भाई। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से भाई, सच्ची बता बहुत ज्यादा भाई। मैंने 12 बजे रात को विश किया सदाकत भाई से, बोला था कि मुनव्वर भाई को बोलना यार कि मेरा बर्थडे आएगा तो विश कर देना मुझे, विश कर दे भाई। विश यू मेनी मेनी हैप्पी डेज ऑफ द डे इमरान भाई, आपको बहुत लंबी उम्र मिले और बहुत सेहतमंद मिले। अरे कि मेरा भाई है, इसी शायरी सुनाएगा आपको, शायरी सुनाने के लिए भाई रखा इसने। भाई सुना, सुन ले भाई एक सुना, भाई सुना बोल भाई, सुना। मैं कौन हूँ ये खुद से सवाल करता हूँ, खुद में ही खुद को तलाश करता हूँ, कोई वजूद नहीं मेरा इस जहान में, वजूद बनाने को दिन रात ख्याल करता हूँ, टूटता हूँ जब भी बैठ जाता हूँ माँ के पास, तब पता चलता है दुनिया में सबसे अनमोल चीज है, मैं खामखा की चीजों को दुनिया में तलाश करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। हेलो 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 भाई, थैंक यू हेलो भाई, हेलो भाई भाई मेरी बात सुन, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जा रहा है तेरी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। और भाई सब खैरियत? भाई मेरी बात सुनना, मेरा छोटा भाई है, मैं इतना आपको सपोर्ट करता था तो वो बोलता था कि मुनावर भाई तुमको कभी तुमसे मुनावर भाई बात करेंगे, हम कहे कि हाँ हम बात करके तुमको दिखाएंगे। एक बार बोल दो हाँ रेहान भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार रेहान भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी ये अम्मी है, हमारी अम्मी से बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक है जी, आपके सब फैन हो गए, हम भी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और मेरे लिए दुआएं कीजिएगा बहुत। हम बिग बॉस कभी नहीं देखते थे लेकिन अब की बहुत देखे हैं, पूरा सीजन देखे हैं, कभी नहीं देखे हैं बिग बॉस। शुक्रिया शुक्रिया देखने के लिए। ये हमारी छोटी बहन। और सब कुछ ठीक है? अस्सलाम वालेकुम आपकी अम्मी। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस खत्म। बहुत चलिए मुनावर जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, अपने फैंस को टाइम दिया एक बार। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाजी। हाँ जी, मेरा नाम हर्षदीप है, थैंक यू। चंडीगढ़ में मिले थे क्या? मैं आपसे मिला हूँ एक्चुअली, मैं भी कॉमेडी करता हूँ तो एक बार ओपन माइक पे थे, बट बहुत पुरानी बात है। बट थैंक यू मुनावर, थैंक यू सो मच। आप एक बार जाते आते अगर आपको इलो कम्युनिटी के लिए जो आपके फैंस हैं इनके लिए कुछ बोलना है, और अगर एक बार शायरी भी हो जाए अगर आपके पास है कोई, नो स्ट्रेस, तो मजा आ जाएगा। उसके बाद कुछ दिख गई तो, कुछ फ्रेश वाली दिख गई तो सुना देता हूँ। बढ़िया, अरे क्यों नहीं। हाँ ये वाली है, बट ये तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे नहीं सुना था। यार मुनावर ऐसे क्यों कर रहे हैं?
लोगों के कमेंट्स रुक ही नहीं रहे। क्या अरे कोई एक आधा कमेंट पढ़ लो। अरे वो जो एक फेमस वीडियो नहीं वायरल हुई थी वही बोल रहे हैं मेरी बहनों से शादी कर लो। अरे भाई अगर पीएम के लिए जाओगे तो मैं वोट करूंगा, ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मस्त बहुत बढ़िया। चलो जब मुनावर भाई हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी गुजरात में। चलो कितना हो गया 8.5 लाख लोग जी। चलो बढ़िया कैरी हो जाए। हाँ तो दोस्तों पहले तो कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज जुड़े हैं यहाँ पे, जितने भी लोग आए बात सुनने के लिए, उनका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। और जनता मनोहर की जनता आई लव यू। आपको लगता है आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है तो आपको एकदम सही लगता है, क्योंकि तुमने जो कांड कर दिया है मेरे पीठ पीछे तुम लोगों ने, जिसकी वजह से बुक ही नहीं कर सकते भाई को कोई, तो इतना बिजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और थैंक यू सो मच। तो आप जो ये कांड कर दिया है मेरे पीछे उसकी वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं जल्दी से फुर्सत में आ रहा हूँ आप लोगों के पास कुछ लेके आप लोगों के लिए। तो जनता को बहुत सारा प्यार है पहली बात, मुनव्वर की जनता और वॉरियर्स तुम लोग बहुत बिल्ले लोग हो, कल्ट और कल्ट मैच। तो मैं ये सुना, पापा जी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी गहरी है और थोड़ी यहाँ पे ऑडियंस भी मैंने देखा कि थोड़ी गहरी बातों वाली ऑडियंस है। तो मंजिल के नशे में मैं घर छोड़ आया, वो मुझे नशे में देखकर घर ले आए। मंजिल के नशे में मैं घर छोड़ आया, वो मुझे नशे में देखकर घर ले आए। मैं अपनी जात से तंग सामान पीछे छोड़ आया, वो मेरे खाली कंधे देख रिश्तों का बोझ ले आए। ओ वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसी के साथ विदाई ले लूंगा जी, 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 सो मच, बहुत सारा प्यार भाजी, गुड नाइट। थैंक यू मुनव्वर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, थैंक यू।